गुड मॉर्निंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, चैप्टर टू पढ़ाया था, तो चैप्टर टू क्या था हमारा? कॉमन नाउन। ठीक है, तो कॉमन नाउन में मैंने क्या पढ़ाया था आपको? नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। अब नाउन के भी दो भाग होते हैं, कॉमन एंड प्रॉपर। तो इस चैप्टर में, चैप्टर टू में आपको पढ़ना है कॉमन नाउन, जो कि हमने कल आपको थोड़ा सा बताया था। ठीक है, कॉमन नाउन वही होता है जो हम कॉमनली जनरली ग्रुप में किसी को बुलाते हैं, जैसे फ्रेंड्स हुआ, स्टूडेंट्स हुआ, चिल्ड्रन हुआ, स्कूल्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सो ऑन। उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, जिसे पर्टिकुलरली नहीं बोलते हैं, कॉमनली सबके साथ इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ओके, तो उस टाइप के वर्ड्स को कॉमन नाउन कहते हैं। और इसके साथ मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, यहाँ पे आपको लिखना था सी ए आर कार्ड, सी ए पी कैप, बी डबल ओ की बुक, पी ई एन सी आई एल पेंसिल। अगर आपने किया होगा तो प्लीज मैच कर लीजिए, सी ए आर कार्ड, सी ए पी कैप, बी डबल ओ की बुक, पी ई एन सी आई एल पेंसिल, एच ओ आर एस ई हॉर्स, पी एच ओ एन ई फोन, बी यू एस बस, एच ओ आर एस ई हॉर्स, पी एच ओ एन ई फोन, बी यू एस बस, दिस इज आंसर, प्लीज मैच इट। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो, इट वॉज ऑल्सो योर होमवर्क। ओके, इसमें मैंने बोला था 10 जानवरों के नाम, 10 बर्ड्स, जानवर, एनिमल्स जो भी, उनका नाम आपको 10 नाम ढूंढना है, जिसमें दो मैंने आपको बताया था, पिकॉक एंड ईगल, बाकी आपको 10 नाम ढूंढ के रफ कॉपी में लिखनी थी। अगर आपके पास इंग्लिश कॉपी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं है तो डजेंट मैटर, आपको रफ कॉपी लिखनी थी। तो जो नाम आपने ढूंढा होगा, कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, मिला लीजिएगा। फॉक्स, फॉक्स को हम दो जानवरों को नाम भी इसको बांट सकते हैं, जैसे ऑक्स, ओ एक्स ऑक्स, बेल और एफ ओ एक्स फॉक्स, यहाँ दो हो गए। पिकॉक, ईगल, बियर, लायन, टाइगर, स्नेक्स, क्रेन, जिराफ, टोटल 10 आपके होना चाहिए इसमें, सारे में 10 जानवर के नाम है। ठीक है, डियर, फॉक्स, ऑक्स, लायन, बियर, पिकॉक, ईगल, टाइगर, स्नेक्स, डियर, जिराफ एंड क्रेन, दीज ऑल आर 10 एनिमल्स यू हैव रिटन इन कॉपी, लिखा ही होगा आपने कॉपी में, ये सारे 10 जानवर का नाम है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज, ये भी मैंने आपको कल दिया था होमवर्क, वेरी इजीएस्ट। मैंने बोला था इसमें जो वर्ड नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, उसमें आपको सर्कल करना था। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे आप क्लास टू के बच्चे हो तो क्लास टू ए, क्लास टू बी, क्लास टू सी, क्लास टू डी, इसमें अगर 3A आ गया या 4A आ गया तो ये थोड़ा डिफरेंट हो गया, तो 3A में और 4A में आप सर्कल करोगे। उसी तरीके से जो वर्ड नहीं मैच खाता है, जो वर्ड नहीं मैच कर रहा है इन सारे वर्ड्स में, वो उसमें आपको सर्कल करना था। और सब्जेक्ट के, चैप्टर के नेम के अनुसार वो सारे कॉमन नेम हो जाते हैं, जो सारे एक तरीके के नाम हुए वो कॉमन हो गए, और जो अलग नाम हो गए वो प्रॉपर हो गए। जैसे यहाँ पे पार्क, स्कूल, गार्डन, किटन, तो पार्क भी प्लेस का नाम है, स्कूल भी जगह का नाम है, गार्डन भी जगह का नाम है, और लेकिन किटन जो है वो बिल्ली के बच्चे, तो ये प्रॉपर हो गए, अलग हो गया, ये तीनों कॉमन हो गए, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, शूज, सॉक्स, हैन, सैंडल्स, नाउ प्लीज ध्यान दीजिएगा, शूज यान जूता, सॉक्स मोजा, हैन मुर्गी, और सैंडल्स वो भी पैर में पहनने, मतलब सैंडल्स, सॉक्स और शूज ये सारे हमें पैर में पहनने वाले चीजें हैं, लेकिन ये हैन जो है वो मुर्गी, जानवर का नाम, लिविंग थिंग्स है, तो ये प्रॉपर हो गए, ये अलग हो गए इन सबसे, दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, और हैन जो है वो लिविंग थिंग्स हो गए, तो ये एकदम अलग हो गए। ठीक है, इसमें आप सर्कल कर देना। स्पैरो, क्रो एंड ईगल, स्पैरो और क्रो भी पक्षी का नाम है, चिड़िया का नाम हो गया, और ईगल भी चिड़िया का नाम, बर्ड का नाम हो गया, एंड जो है वो इंसेक्ट हो गया,
चींटी उड़ती नहीं है, बाकी जितने भी तीन जानवर स्पैरो, क्रो, ईगल, ये सब उड़ने वाला है और ये सब बर्ड का नाम है, लेकिन एंट जो है वो इंसेक्ट का नाम है, तो इसमें हम सर्कल करेंगे, ठीक है। माउस, हाउस, कैमल, शिप, ये सारे जानवरों के नाम है, माउस, कैमल, शिप, ये सारे जानवरों के नाम है और लिविंग थिंग्स है, लेकिन हाउस नॉन लिविंग थिंग्स है और ये किसी चीज का नाम है, ठीक है। तो हाउस में आप सर्कल करोगे। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेंड्स, स्नैक्स, नाउ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्नैक्स, ये सब खाने की चीजें हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो है वो लिविंग थिंग्स है, वो इंसान का नाम, इंसान है, इसमें हम सर्कल करेंगे। वंस अगेन आई रिपीट यू, पार्क, स्कूल, गार्डन, किटन, किटन में आप सर्कल करोगे। शूज, सॉक्स, हैन, सैंडल्स, हैन में सर्कल करोगे। स्पैरो, क्रो, एंट, ईगल, एंट में सर्कल करना है। माउस, हाउस, कैमल, शिप, हाउस में सर्कल करना है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेंड्स, स्नैक्स, फ्रेंड्स में सर्कल करना है। आर क्लियर गाइस? नाउ इसमें मैंने आपको बोला था पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखने के लिए, इसमें आपने लिखा ही होगा टिथ, इसे शायद करने के लिए आपको शायद एक दिन और चाहिए होगा, मुझे जैसे लग रहा है ये दोनों करने के लिए, क्योंकि शायद थोड़ा सा आपको समय लगेगा, इसी बहाने आप पार्ट्स ऑफ बॉडी भी याद कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो इसे आप वंस अगेन फिर से आप करो आज, और अच्छी तरीके से सोच समझ के इनका नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद लुक एट द क्वेश्चन नंबर फोर ध्यान देखिए। लुक एट द पिक्चर, रीड द नाउन्स गिवन इन द बॉक्स, नाउन तो पता ही है, नेमिंग वर्ड, दे आर ऑल नेम्स ऑफ पीपल इन ए फैमिली, यूज दीज नेम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे लोगों का नाम है जो एक फैमिली के ही से ही बिलोंग करते हैं, इनका आपको नाम लिखना है, ठीक है। राहुल इज द ऑफ मिस्टर एंड मिसेज, राहुल, वेरी सॉरी राशि, आई एम सो सॉरी गाइस, राशि, राशि इज द ऑफ मिस्टर मिसेज जॉर्ज, राशि मिस्टर मिसेज जॉर्ज की क्या होंगी इसमें से आपको ढूंढना है। तो राशि देखने से लग रहा है छोटी सी बच्ची है, यानी कि डॉटर, तो यहाँ पे आपको लिखना डॉटर में नंबर वन कर लीजिए, और किताब तो अच्छी बात है, नहीं है कॉपी है तो कॉपी में आप लिख लीजिएगा, राशि इज द डॉटर, यहाँ पे लिखी हुई है डॉटर में नंबर वन लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है, फिलअप करना है डॉटर, डी ए यू जी एच टी, या डॉटर इज ऑफ मिस्टर मिसेज जॉर्ज। रॉब इज डैश ऑफ मिस्टर मिसेज जॉर्ज, रॉब यहाँ पे एक बच्चे का नाम है, देखिए देखने से लग रहा है छोटा सा बच्चा है, यानी कि ये बेटा हुआ, बेटा यानी कि सन, रॉब इज द सन, एस ओ एन, सन ऑफ मिस्टर मिसेज जॉर्ज, वंस अगेन रॉब इज द सन ऑफ मिस्टर, आप यहाँ पे एस ओ एन सन लिखोगे और यहाँ पे सन में नंबर टू लिखोगे, ठीक है। नंबर थ्री, मिस्टर जॉर्ज इज द ऑफ राशि एंड रॉब, मिस्टर जॉर्ज यहाँ पर है फादर, मिस्टर जॉर्ज इज द फादर, यहाँ पे लिखी हुई है फादर, एफ ए टी एच ईयर, फादर ऑफ राशि एंड रॉब, राशि एंड रॉब के पापा मिस्टर जॉर्ज। मिसेज जॉर्ज इज द मदर ऑफ राशि एंड, मिसेज जॉर्ज यहाँ है, मिसेज जॉर्ज इज द मदर, मदर ऑफ राशि एंड रॉब, क्योंकि यहाँ डिक्लेयर किया हुआ था ऑलरेडी, राशि इज द डॉटर, रॉब इज द सन, मिस्टर जॉर्ज इज द फादर, मिसेज जॉर्ज इज द मदर, मदर ऑफ राशि एंड रॉब। रॉब इज राशिज ब्रदर, रॉब जो है वो राशि का भाई, ब्रदर यहाँ पे लिखी हुई है, ब्रदर, बी आर ओ टी एच ईयर, ब्रदर, रॉब इज राशिज ब्रदर, राशि इज रॉब सिस्टर, राशि जो है रॉब की बहन हुई, राशि इज रॉब सिस्टर, मिस्टर जॉर्ज इज द हस्बैंड, यहाँ पे लिखी हुई है हस्बैंड, एच एस बी एन डी, हस्बैंड ऑफ मिसेज जॉर्ज, मिसेज जॉर्ज इज द वाइफ, वाइफ ऑफ मिस्टर जॉर्ज। Clear guys? Now once again I repeat, please look at the this question very carefully, okay? Rasi is the daughter of Mr. Mrs. George, Rob is the son of Mr. Mrs. George, Mr. George is the father of Rasi and Rob, Mrs. George is the mother of Rasi and Rob, Rob is Rasi's brother, राशि इज रॉब सिस्टर, मिसेज जॉर्ज इज द, मिस्टर जॉर्ज इज द हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ मिसेज जॉर्ज, मिसेज जॉर्ज इज द लास्ट वन इज वाइफ, वाइफ ऑफ मिस्टर जॉर्ज। आर यू क्लियर गाइस? इसे अच्छी तरीके से आप कर लोगे और जो परेशानी होगी बताइए, मैंने पहले ही बताया था, कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल दीजिएगा और मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी।
Now turn page number 10. Page number 10 dikhega. Question number 5. Fill in the blanks with the correct word to find out what each person in the Joshi's family is saying. These are the names of rooms in a house. इसमें ये बताया गया है, ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो अपने रूम को बता रहे हैं, ये मेरा रूम है, वो रूम. तो इससे पहले मैं आपको ये बात बताने देना चाहती हूँ कि जैसे आप जिस रूम में सोते हो उसे हम बेडरूम कहते हैं या स्लीपिंग रूम कहते हैं, जिस रूम में आप पढ़ते हो उसे हम स्टडी रूम कहते हो, राइट. जिस रूम में आप खाना खाते हो उसे हम डाइनिंग हॉल या डाइनिंग रूम कहते हैं, और जिस रूम में आप गेस्ट बैठते हैं आपके, या आप बैठते हो, या फिर आप लोग फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठते हो, उसे हम या तो कॉमन रूम कहते हैं या फिर ड्राइंग हॉल या फिर ड्राइंग रूम कहते हैं. एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इसमें सिर्फ कैरेक्टर को अपने रूम का मेंशन करना है, ये कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ खाते हैं, ये सारे सेंटेंसेस है उनको आपको पर्टिकुलर जगह पे पुट आउट करना है. जैसे जिस रूम में आप सोते हो उसे हम स्लीपिंग रूम कहते हैं या फिर बेडरूम कहते हैं, जिस रूम में आप पढ़ते हो उसे हम स्टडी रूम कहते हैं. इसी तरीके से जिस रूम में आप खाना बना, आपकी आपकी माँ या आपकी घर की जो भी लेडीज खाना बनाती है वो किचन कहलाता है, ठीक है. सो नाउ गाइस लुक एट दिस, आई स्लीप इन माई बेडरूम. ओके, यहाँ पे आपको बेडरूम लिखना है, बीईडी बेड. आई कुक डिनर इन द किचन, किचन में हम खाना बनाते हैं, तो आई कुक डिनर इन द किचन, के आई टी सी एच एन किचन. वी मीट आर गेस्ट इन द गेस्ट रूम, गेस्ट रूम या फिर ड्राइंग हॉल या फिर ड्राइंग रूम बोल सकते हैं आप, ठीक है. वी हैव डिनर इन द डाइनिंग हॉल या फिर डाइनिंग रूम. आई ब्रश माई टीथ इन द बाथरूम या फिर वॉशरूम. वंस अगेन आई रिपीट, आई स्लीप इन माई बेडरूम. आई डू माई होमवर्क इन द स्टडी रूम. I cook dinner in the kitchen. We have dinner in the dining hall या फिर dining room. We meet our guest in the guest room or drawing room या फिर drawing hall भी लिख सकते हो. I brush my teeth in the washroom या फिर bathroom. ठीक है, so this you can do. This is very easy for you also. लेकिन इसमें अगर आपको परेशानी होगी तो वापस मैं कल आऊंगी, कल मैं फिर वापस आपको इसके आंसर के साथ फिर से मैं वापस बताऊंगी इसे, जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए, ठीक है. तो इतने सारे हैं आपके, आपको आज करने के लिए, तो ये सब आप कर ही लोगे. आपके पास समय बहुत, समय कोई कमी नहीं है, काफी समय आपके पास. और कॉमन नाउन को भी मतलब ध्यान रखते हुए सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे. जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रॉब्लम एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ, सारे कॉमन नाउन चैप्टर के हैं, ठीक है. कॉमन नाउन इज विच यूज्ड इन कॉमनली इन ए ग्रुप. वापस मैं बता रही हूँ, कॉमन नाउन वही हुआ जो ग्रुप में हम बुलाते हैं. कॉमनली जनरली किसी को बुला सकते हैं एनी टाइम. ओके, ये सर्कल में हम बुला सकते हैं किसी को, पर्टिकुलरली किसी को नहीं, अलग से हम किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. So for today, this is the end. In next video, we'll meet in with our new exercises of same chapter. Unless and until, take care, guys. Stay home and stay safe.